हम आ गए कहाँ, वसीम के बाल बनवाने। क्योंकि भाई ये देखें बाल इतना इतना बड़े हो चुके हैं, तो अब इसकी सेटिंग देख लें, फिर जो साफ बाल बन जाएंगे तो फिर दिखाऊंगा भाई अब कैसे बाल बने इसके। वसीम साहब कैसे बनने चाहिए, हाँ छोटे होने चाहिए, छोटे चलो। कैसे बाल बन गए अब माशाल्लाह वसीम के, वसीम कैसे अब बचे, ये खूबसूरत बन गए, बड़े बड़े बाल हो गए थे साइडों से भी और ऐसे बन गए। वाह जी वाह वाह। ये देखिए हम बैठे हुए थे और भाई आ गई क्या एकदम से बरसात, वाह। और ये अल्लाह की रहमत है भाई, ये देखें कैसे बरस रही है माशाल्लाह से, वाह। तो बस अल्लाह की रहमत है भाई। तो भाई पानी के ऊपर से बहुत गिर रहा है यार, तो वह खैर अल्लाह खैर करे जी, खैर की हवा हो, और भी हवा भी बहुत ज़ोर सी है और भी बरसात भी। तो ये मैं लाइट, बिजली चली गई और सही लाइट से दिखा रहा हूँ आपको भी, ऐसे पानी भर चुका है हमारे घर के आगे भाई। अब दुआ करें बस अल्लाह खैर करे जी, इतना इतना पानी हो चुका है भाई, ये देख लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह करे हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो, सदा चाचे की दुआ होती है सब के लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे अपने घरों में, अपने कारोबार में, अपने बच्चों के साथ। तो चाचा की सदा दुआ होती है सबके लिए भी, अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे। तो जी आज बात एक दो बंदों पर करनी है जो बहुत खुदक रहे हैं और फुतक रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जी, तो उन पर बात करते हैं। पहले पहले तो बात करते हैं जी जो सितारा सपोर्टर को टारगेट करते हैं और सितारा सपोर्टर को या फा और गंदे गंदे नामों से बुलाना और गंदे गंदी बातें करना। अगर भाई सितारा ने शुक्रिया अदा किया है अपने सपोर्टरों का, अपने चाहने वालों का, तो आप लोगों की कौन सी चुल मच गई आप लोगों को, उसने क्या गलत कहा है भाई। अगर उसके साथ सपोर्ट दे रहे हैं, उसे प्यार करते हैं, जब वो रोती है तो उससे पहले वो रो पड़ते हैं और उस सितारा को दुख को अपना दुख समझते हैं, जो उस सितारा को दुख पहुंचाए उसको पहले जाके जवाब देते हैं। तो उसके भाई माँ बाप बहन भाई सब चाहने वाले वही बने हुए हैं। तो भी आप लोगों की कौन सी चुल है कि आप लोग जाके सितारा सपोर्टर को आगे गाली निकालते हैं और भुला भला कहते हैं सितारा सपोर्टर को। तो दो दूसरी बात कहते जी डालरों के भूखे, वो मोहब्बत के भूखे, डालरों के भूखे नहीं है सितारा सपोर्टर। डालर तो भाई उनके चैनल है, डालर तो आने किसी का बाप तो नहीं दे रहा ना डालर, डालर तो भाई अपनी हर किसी की मेहनत है, हर किसी के चैनल है। रिस्क देने वाला मेरा अल्लाह है, इंसान कौन होता है हसद करने वाला, इंसान का तो पेट ही नहीं भरता ना, हसद से पेट भरा हुआ है, हसरत से। तो आप लोगों ने तो बहुत कोशिश की भाई हर तरफ से सितारा को गिराने की, लेकिन जैसे कोई दीवार को टेक लगाता है और सपोर्ट देता है ना, तो ऐसे ही हमारे सपोर्टरों ने सपोर्ट किया हमें और गिरने से बचा लिया। मेरा अल्लाह बचाता है, या इंसान जिसके साथ हो जाए ना चार इंसान तो वो तगड़ा हो जाता है फिर, लेकिन आप लोगों ने तो सितारा को खोखला कर दिया था। अच्छा जी आप लोगों ने कहा कुछ लाइफों में कुछ सामने तो कुछ ऐसे, तो सितारा सपोर्टर को लानत भेजते, तो मैं सलमा सपोर्टर जितना भी है उनको लानत भेजता हूँ हज़ार मरतबा, खबरदार जो आ किसी ने भी, मैं कितना दिन हो गया अभी सितारा सपोर्टर का नाम लिया, मैं उसके ज़बान खींच लूँगा आज के बाद, जिसने भी कहा सितारा सपोर्टर को गाली दी मैं उसे गाली दूँगा। खबीस लोग हो तुम लोग, भौंकते हो कि सितारा सपोर्टर पर तुम लोग भी, आप लोगों को चुल है, आप लोगों को परेशानी यही है कि भी आप ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, उसे क्यों देख रहे हैं, आप लोगों को यही तकलीफ है ना। तो वो देखते रहेंगे, 10,000 आवाम है उसके साथ और प्यार करने वाले मोहब्बत करने वाले, आप लोगों को यही परेशानी है कि उसको इसको बंदे इतना देख क्यों रहे। ये आप लोगों के बाप के बस की बात नहीं है कि आप सितारा से बन जाए आगे, नहीं सितारा की जूती भी नहीं बन सकते आप लोग, तो आप अपने आप में रहें। और दूसरे जो बंदे कुछ हैं जी मोटी पतली वाले आँखों वाले और दूसरे जो सितारा के ससुराल वाले कुछ, वो उसके बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले भी मैंने कहा था अभी हम चुप हैं,
तो इंसान के बच्चे बन जाओ, मैं आप लोगों की जबान खींच लूँगा अगर आप सितारा के बच्चों का नाम लिया तो। क्या समझते आप अपने लोग, आपको 2% के लोग हैं, आप पैसे खाए उनसे सब कुछ किया, जब सितारा पैसे बंद कर दे तो आप भौंकना शुरू कर देते हैं उस पर। 2% की औकात नहीं है तुम लोगों की, भिखारी लोग, भीख न मांगने वाले लोग भी आके बहस करते हैं, भिखारी हो तुम लोग। जब तुमको पैसा फेंके तो ठीक है, नहीं फेंके तो ठीक है, फिर आप भौंकते हैं। किस किस को खिलाए भाई सितारा, कमाल है भाई। कोई अपने दांतों का इलाज के लिए भी सितारा के पास आ जाता है, आंखों के इलाज के लिए भी सितारा के पास, जो अंधा हो जाता है वो भी सितारा करे, अंधों को भी सितारा खिलाए, दांत भी सितारा डलवाए, वीजे भी सितारा दे, घुमाए भी सितारा। क्या हो गया है अभी तुम लोग को, दवाई भी सितारा लेके दे, अपनी दौलत तुम लोगों ने कहा करनी, अंधे हो गए तुम लोग सितारा की दौलत देख के। तो उसकी अपनी मेहनत है, अपने बच्चों के लिए बना रही, आप लोगों के लिए नहीं बना रही। अब सब आ गए बेलचा उठा के, भी हम भी जाके सितारा के घर से खा के आए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो सितारा को खा रहे। मैं सबको कह रहा हूँ जो खाते हैं सितारा को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अब तो बेशर्म हो गए, बेहया हो गए उसकी दौलत को देख के। गैरत के साथ रहे, गैरत, गैरत इधर है, इधर है गैरत, खून में अगर गैरत हो तो गैरत करें, बेगैरती की ज़िंदगी छोड़ दें। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, मुझे इतना ही कहना था बस, मुझे बहुत आज ना दिमाग में गुस्सा चढ़ा हुआ है। और दूसरी बात भाई, आप मुझे ये पूछ के दें ग़ुलाम आबाद मेरे भाई साहब से भी, इसने मेरी अम्मा को क्यों मारा था, ठीक है, ये मेरे, ये बड़ा नमाजी साहब से ये मेरे सवाल है। अगर इसने नहीं बताया तो फिर मुझे कल से भी रुकवाया गया, अभी ये बात आग ना करें तो खुद आके अपनी ज़ुबानी साहब से। चैनल भी है आपका, बेटी का भी चैनल है नजमा साहब का, वो बता दे मेरी बहन को और भाई मेरी माँ को इसने क्यों मारा था, इस नमाजी साहब ने, हाजी साहब ने। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरा आखिरी सवाल है, ये आपने पूछ के देना है कमेंट्स में या किसी चीज़ में। माँ जन्नत होती है, तो इसने मेरी माँ को मारा था इस हाजी नमाजी साहब ने, तो ये मुझे आप इससे कमेंट्स करें और पूछें ज़रूर कभी माँ को क्यों तूने मारा था। सितारा को तो खा रहा है, चलो खाने दो, क्योंकि सितारा मजबूर है भाई, रिमोट कंट्रोल में हाथ में दबी हुई है। तो खैर, इनमें गैरत हुई तो अपने घर की खाएंगे, अगर नहीं गैरत हुई तो कोई बात नहीं, खाते रहेंगे दोनों हाथों से। लेकिन मेरी माँ को और मेरी बहन को क्यों मारा था, ये कमेंट्स में ज़रूर पूछना आपने आज ग़ुलाम सर, नहीं तो फिर मैं ऐसे आके सब इसकी गठड़ी खोलूँगा। बहुत सारी चीज़ें भी इनके ख़ानदान की बताने की, किसके, ग़ुलामंद ख़ानदान की, ग़ुलामंद साहब इसकी फैमिली की, जितना बातें ना इंशाल्लाह सामने रखूँगा। क्योंकि इसने मुझे भाई नहीं समझा, इसने बहुत जुल्म किया मुझ पर, कोई बात नहीं। सितारा के साथ आप घूम रहे हैं फिर रहे हैं, कुछ में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इतना जुल्म किया कि सितारा बेटी को ईद भी मुझे नहीं मिलने दिया। कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह है, और सितारा मेरा बहुत साथ देती है, उसका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सितारा बेटी आपका। तो अच्छा, अल्लाह करे आपके बच्चे और आप ठीक रहें, खुश रहें। तो मेरी सदा दुआ है आपके लिए, और मैं आपका सिपाही हूँ, जब तक ज़िंदा हूँ सिपाही रहूँगा। तो अल्लाह हाफिज़ मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आप लोगों ने ये ज़रूर पूछना है कि ग़ुलाम मोहम्मद साहब, उसका चैनल भी, उसकी बेटी का भी चैनल है, उसकी बहू का भी है, असगर का भी है, सल्लू का भी है, आप लोगों ने ये ज़रूर बात पूछनी है उसे भी, अपनी सगी माँ को आपने क्यों मारा था। ओके, तो मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए।